नमस्कार आदाब सत श्रीकाल, आशा करते हैं कि आप घर पर अच्छी तरह। आइए डालते हैं आज की क्या है खास बात। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गुरुवार को एंट्री ली। सीएम योगी जी ने अपने चिरपरिचित अंदाज में बटेंगे तो कटेंगे के स्लोगन के जरिए हुंकार भरी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि त्रेता युग में जब बजरंग बली रहे होंगे तब इस्लाम नाम की वस्तु ही नहीं रही होगी। वहीं उन्होंने कहा कि भारत की चिंता की बजाय कुछ लोग पाकिस्तान व फिलिस्तीन के लिए घड़ियाली आंसू बहाते हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में विपक्ष का गठबंधन महाअघाड़ी नहीं बल्कि महाअनाड़ी है। मैं शिवाजी से प्रेरणा लेकर बार बार कहता हूं कि जब जब बटेंगे तब तब कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक और से। जिला अधिकारी अजय त्रिपाठी ने जनपद की नगर पालिका एवं नगर पंचायतों में गृह की वसूली एवं नगर विकास से संबंधित अन्य योजनाओं की समीक्षा हेतु कलेक्टर सभागार में बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी ने नगर क्षेत्र के कुल ग्रहों भवनों के सापेक्ष गृह कर पंजीयन एवं पंजीयन से छूटे मकानों की समीक्षा करते हुए अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया कि गृह कर वसूली हेतु ऑनलाइन माध्यम का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। लोगों को उनके मोबाइल नंबर पर ही गृह का बिल भेजा जाए। इसके लिए सफाई कर्मियों के माध्यम से प्रत्येक वार्ड में प्रत्येक घर में एक एक मोबाइल नंबर प्राप्त करें, जिसे रजिस्टर्ड कर मैसेज के माध्यम से बिल भेजे। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि नगर क्षेत्र में निवास करने वाले प्रत्येक परिवार से गृह कर लिया जाएगा। इसके लिए 100% परिवारों का रजिस्ट्रेशन कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सर्दी के मौसम के दृष्टिगत नगर पालिका एवं नगर पंचायत माध्यम से कम्बलों का क्रय करना। के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार व क्षेत्र अधिकारी यातायात अजय कुमार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी यातायात आलोक कुमार तिवारी एवं टीम द्वारा पहलवान गुरुदीन महिला व महाविद्यालय पनारी में यातायात जागरूकता कार्यक्रम के तहत महाविद्यालय स्टाफ और छात्र छात्राओं को यातायात नियमों यथा दो पहिए वाहन चलाते समय सदैव हेलमेट का प्रयोग, चार पहिए वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग, सड़क पर वाहन चलाते समय स्टंट खतरनाक ड्राइविंग न करें, दुर्घटना में घायल व्यक्ति की तुरंत मदद करें, नशे की हालत में वाहन न चलाएं आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई और शपथ दिलाई। में आजादपुरा स्थित सरस्वती ज्ञान मंदिर बालिका इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य सोनम तोमर ने जिलाधिकारी को शिकायत पत्र भेजा है। शिकायत पत्र में प्रधानाचार्य ने डीएम को अवगत कराया कि विद्यालय के मुख्य गेट पर प्रतिदिन गंदगी से और बचा हुआ अवशेष खाना दाल चावल रोटी खीर सब्जी यहाँ के लोगों द्वारा जानबूझ कर डाल दिया जाता है। मना करने पर लोग उक्त लोगों द्वारा फेंका गया सामान जानवरों द्वारा खा लेने की बात कही गई है, जबकि शासन की मंशा के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन चलाया जा रहा है। बताया कि प्रत्येक विद्यालय में प्रत्येक दिन साफ सफाई सफाई कर्मी द्वारा सफाई कराई जाती है और कीटनाशक ब्लॉक स्तरीय मिनी बाल क्रीडा प्रतियोगिता का आयोजन संकुल केंद्र मडावरा के उच्च प्राथमिक विद्यालय पेपर परिसर में किया गया है। मिनी बाल क्रीडा प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि उप जिलाधिकारी मडावरा रश्मि यादव रही। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि क्षेत्राधिकारी मडावरा आर के श्रीवास्तव, ब्लॉक प्रमुख चंद्रदीप रावत, खंड विकास अधिकारी मडावरा रमेश कुमार यादव, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रखवारा पुष्पेंद्र सिंह यादव, चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रदीप वर्मा, प्रभारी सहायक विकास अधिकारी पंचायत आलोक दुबे, ग्राम विकास अधिकारी जीशान उस्मानी, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर विजय दुबे रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता खंड शिक्षा अधिकारी मडावरा नरेश कुमार रावत ने की। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों द्वारा सरस्वती माँ के दीप पर पुष्पांजलि नगर ग्राम कड़ेसरा कला की। ये पूरी खबर है कि किसान खेत पर पानी देने गया, संदिग्ध परिस्थिति में उसकी मौत हो गई। वहीं आइए डालते हैं पूरी खबर पर एक नजर। जानकारी के अनुसार युवक के परिजनों ने बताया कि बुधवार की सुबह को ग्राम कड़ेसरा कला के मदरा लंबरदार बारा निवासी मनोज कुशवाहा पुत्र गोरे कुशवाहा ने अपने खेत पर पानी देने के लिए गया था। जब अपने घर वापस नहीं लौटा तो युवक के परिजनों ने काफी खोजबीन की। जब देखा तो बेसुध खेत पर पड़ा हुआ था युवक, जिससे परिजनों ने तुरंत तालबेट सीएससी लाए, जहाँ चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद युवक को मृत घोषित कर दिया। कोटेदार पर राशन की कालाबाजारी किए जाने का मुकदमा दर्ज। तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत बरी खुर्द ब्लॉक तालबेहट के कोटेदार की राशन वितरण की अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त हुई। 5 नवंबर 2024 को प्रकरण की जांच सुनील कुमार पूर्ति निरीक्षक तालबेहट के द्वारा मौके पर जाकर की गई। शिकायतकर्ताओं से पूछताछ की गई, जिनमें शिकायतें सही पाई गई। साथ ही ग्राम पंचायत बरी खुर्द ब्लॉक तहसील तालबेहट में उचित दर विक्रेता की दुकान का औचित निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय दुकान में 26 कुंतल गेहूं, 61 कुंतल चावल का स्टॉक पाया गया। कोटेदार सैनपाल सिंह द्वारा राशन की कालाबाजारी किए जाने पर पूर्ति निरीक्षक तालबेहट सुनील कुमार
द्वारा उत्तर प्रदेश आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अंतर्गत संबंधित विक्रेता सैनपाल सिंह के विरुद्ध FIR दर्ज कराई गई। कल तालबेट के सहनाई गार्डन में शाम 7:30 पर श्री श्याम रस संगीत कीर्तन का हजारिया टाइम्स पर आप पूरा लाइव कवरेज देख सकते हैं। कल संगीत अगर हम बात करें तो दिल्ली व वृंदावन के कलाकारों के द्वारा भक्तिमय संगीत प्रस्तुत किया जाएगा। इसका आप सीधा प्रसारण हजारिया टाइम्स पर देख सकते हैं और इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, बेहतरी से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।